आरएम न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को दबाएं सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए और हर छोटी बड़ी न्यूज की अपडेट सबसे पहले। दिवसीय आंदोलन किया गया था। करीब शाम में त्रिपक्षीय वार्ता हुई प्रबंधन प्रशासन और राधा रेड्डी कंपनी के लोग थे। उन्होंने 17 तारीख का समय लिया वार्ता के लिए, लेकिन 17 तारीख को जब सारे हमारे साथी पहुंचे, हम लोग टाइगर फोर्स का सारा सदस्य पहुंचे, तो प्रबंधन आई, प्रशासन आई, लेकिन कंपनी का कोई भी अधिकारी नहीं पहुँचा। इससे यहाँ के विस्थापितों में बहुत रोष और टाइगर फोर्स के द्वारा साथियों में बहुत रोष हुआ, जिसके चलते आज हम लोग को अनिश्चितकालीन आंदोलन में बैठना पड़ रहा। आखिर क्या ऐसी बात है कि एक आउटसोर्सिंग कंपनी का मनोबल इतना बड़ा हुआ है कि जिस जमीन पे आज सीसीएल काम कर रही है उसमें अगर ठेका लेकर इतना मनोबल बढ़ाओ कि यहाँ का अगर वो चाहता है कि यहाँ के विस्थापितों और स्थानीय लोगों का दोहन करके, शोषण करके बाहर से मजदूर लाके वो काम कराएगा, तो ये सपना है। मैं बता दे आगाह कर देना चाहता हूँ कि ये सीसीएल को, पूरी सीसीएल को बंद कर दिया जाएगा अगर इसी तरह आउटसोर्सिंग कंपनी का मनोबल बढ़ता रहा तो। जिस तरह दोहन होते आया पूरे वलांचल में, पूरे लोहांचल में, उसके खिलाफ टाइगर फोर्स का ये शुरुआत है। और हमारे सुप्रीमो का ये आदेश है कि कहीं भी स्थानीय बेरोजगार और विस्थापितों का अन्याय होगा उसके खिलाफ टाइगर फोर्स लड़ाई लड़ेगी।